नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का एक वीडियो लेके आ रहे हैं रतिया के नजदीक फतेहाबाद जिले से और रतिया के नजदीक कलंदरगढ़ गांव से। आपने जो है तीन जो एचएसबी के बुलों की कटड़ियां हैं उनका वीडियो देखा, उसको काफी पसंद किया और आज एक और वीडियो लेके आ रहे हैं जो सारा पशुधन है भाई साहब का, वो दिखाएंगे आपको। वो कटड़ियां भी दिखाएंगे, उनकी माँ भी दिखाएंगे, सारे जो है पशुधन के बारे में आप जानकारी लेंगे लवजीत भाई से। तो सारे के सारे भाई टाइम निकाल के वीडियो देखें, चैनल को अपने को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार जुड़े हैं, जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो पेज को फॉलो कर लें। ये देखिए जी, इधर जो है दो कटड़े बंधे हुए हैं, सारा कुछ आप लवजीत भाई से इनके बारे में पूछेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और बीच में मंजीत भाई भी आए हुए हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, तो सारा कुछ आप जानकारी लेंगे भाइयों से सभी से। तो लवजीत भाई नमस्कार। नमस्कार जी, ठीक हो भाई? हाँ जी बढ़िया जी। तो पूरे फूल फाल और ये उठा रखे हैं भाई, कौन सी कटड़ी का क्या इनाम कौन से मेले में रहा है? ये नवाब दा जी, नवाब की कटड़ी का। हाँ जी हाँ जी। तो बीएफए मेले में गए थे भाई साहब? हाँ जी हाँ जी बीएफए। ठीक है, तो ये कौन से नंबर पे रही? ये तीसरे स्थान पे, तीसरे नंबर पे रही। और सर्टिफिकेट ऊपर वाला है क्या ये? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और एक और सर्टिफिकेट है, ये एक के साथ एक फरी था क्या? ये भैंस का जी। अच्छा, ये भैंस का था। ये भैंस कौन से नंबर पे आई? छठे नंबर पे, नंबर पे जी, ये लिख रखा सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है ठीक है, तो माँ बेटी दोनों ही इनाम जीत के आ गई हैं। ये देखिए जी, नवाब की कटड़ी लगभग कितने दिन की बताई थी? 45 दिन की। हाँ जी, 45 दिन की कटड़ी है नवाब की, और इसकी माँ छठे नंबर पे थी, बेटी तीसरे नंबर पे थी। तो भाई साहब, ये जो भैंस है ये कितने दूध वाली है? ये 20 लीटर है, ये एचएलडीबी रिकॉर्ड। अच्छा, एचएलडीबी का रिकॉर्ड है 20 लीटर का। ठीक है, और कटड़ी को कितना दूध पिला रहे हो? कटड़ी को नॉर्मल जी बस 6 लीटर है सुबह शाम का, तीन सुबह तीन शाम को। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तीन सुबह और तीन शाम को दूध पिला रहे हैं। देखिए माँ बेटी दोनों बढ़िया, मुबारक हो भाई को। और पहले शुरू करते हैं आप कोने से। कोने में भी एक झोटी बंधी हुई है, थोड़ा सा देख के जो है वो डर रही है, लेकिन झोटी काफी सुंदर है। ये देखिए ऊपर नीचे से काफी बढ़िया। तो लवजीत भाई आ जाओ, ये कितने दूध वाली भैंस की है? ये 14 लीटर है जी। 14 लीटर वाली की है? मैंने 14 लीटर खुद है, खुद का 14 लीटर है जी। अच्छा, पहले सुए में 14 किलो दूध है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके पीछे बच्चा कौन से बुल का है? बेताब दा जी। ये कटड़ी बेताब की है? हाँ जी। ठीक है, और ये कौन से बुल की है कटड़ी, इसका पता है कुछ? नहीं भैंस, ये झोटी का फादर कौन है? एचएलडीबी दिया जी, कोई नहीं पता। अच्छा, एचएलडीबी की है और 14 किलो दूध दिया है। हाँ जी। ठीक है, इसकी माँ का कितना दूध था? माँ का तो नॉर्मल था जी, 5वें 6वें सुए था ये 14 लीटर। अच्छा अच्छा, 13-14 तो बढ़िया है कटड़ी। हाँ जी, हाँ जी, कहने जी, का जी, मतलब हाँ जी, हाँ जी। तो इस कटड़ी को कितना दूध पिलाते हो भाई साहब? इसको नॉर्मली है, ये तो बस शुरू से स्टार्टिंग तक है जी, उनके फीड पे ही है। अच्छा, अभी फीड पे है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है, और ये साथ में जो कटड़ी बंधी हुई है ये भी एचएलडीबी दी है? एचएलडीबी के। इसने कितना दूध दिया? ये नॉर्मल है जी बस 13-13.5 पहले ब्यांत में। हाँ जी, पहले ब्यांत। अच्छा, ये भी पहले ब्यांत की है? सभी पहले ब्यांत की है जी बस। ठीक, ये देखिए जी, ये जो दूध सा उतार रखे थनों में, उसका क्या कारण है? हाइट में एआई की थी। हाँ जी। अच्छा, अभी अभी वो डोके में है जी। वो एक कोने वाली कैबिन करवा दी? हाँ जी, 2 महीने दी है जी। 2 महीने की, वो कौन से बुल से? ओ जी, अपने घर वाले तो जी। अच्छा, घर वाले बुल से? घर वाले का बुल है ना उससे। और ये दो नंबर वाली ए केडी की थी उधर? कोहिनूर से। और तीन नंबर वाली है जो पहले नंबर पे दिखाई, ये नहीं है जी, की अभी क्या भी नहीं करवाई। हाँ, इसको कौन से कराओगे? इनू देखते हैं जी, फिर नवाब ना जा कोई होर सिलेक्ट कर दे जी चंगा बुल। ठीक है ठीक है, तो ये दो नंबर वाली झोटी का बच्चा ये इधर बंधा हुआ है, इसका फादर कौन है? ये अपने घर वाला बुल है जी। घर वाला बुल है, ठीक है। और तीन नंबर चार नंबर पे फिर ये झोटी आ गई, ये कौन से बुल की आ गई? एचएलडीबी की। ये कौन से ब्यात में कितना दूध दिया? अच्छा, सारी फर्स्ट टाइम मरी इकट्ठी कर रखी है आपने? तो बड़ी भैंस सारी भेज दी है? सारी भेज दी है। ठीक है, तो इसने कितना दूध दिया भाई? ये 13 लीटर पे चल रही है। 13 लीटर, तो इस ये क्या बिन करवा दी? नहीं, ये भी नहीं अभी। अच्छा, अभी नहीं करवा, इन्फेक्शन है। तो इसके पीछे कटड़ी कौन से बुल की आ गई? ये बुलेट की, बुलेट अपने वाले की। ठीक है, तो इसका दूध कितना बताया? 13 लीटर। 13 लीटर। तो देखिए जी, तीन कटड़ियां जो है अपने एचएसबी के बुलों की है, और कोने में बंधी हुई है एक और झोटी लंबी ऊंची। ये कौन से बुल की है भाई? ये अर्जुन है, अर्जुन की। अर्जुन कुंगड़ की। ब्याने वाली है? नहीं, अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। 2 महीने ही प्रेग्नेंट है। ये कौन से बुल से करवाई है? ये बजरंगी। तो जी बजरंगी लजवाना से। ठीक है ठीक है, तो ये देखिए अपने अर्जुन की कटड़ी है, और पीछे कटड़े आगे फिर ये अपने अपने ही है दोनों। तो भाई साहब, ये इसका कितनी उम्र होगी और क्या कुछ है? 3 साल से ऊपर है जी उम्र।
ठीक है हाँ जी। तो इसके आप एक या दो बच्चे लिए कौन से? हाँ सेल करना है तो बोल दो। हाँ जी हाँ जी सेल करने हैं, दोनों करने हैं, एक कर देंगे दोनों में से। अच्छा तो कितने कितने के करने हैं? वो तो मौके की बात ही है। ठीक है हाँ जी। तो ये देखिए जी, इसकी माँ का दूध कितना था भाई साहब? 20 प्लस वाली जो नवाब की कटड़ी वाली है जी। अच्छा वो इसकी माँ ही है। हाँ जी। अच्छा ये वाली इसकी माँ है। हाँ जी हाँ जी। ये शकल से तो दिख रही है कि उम्र इसकी बिल्कुल कम है, लेकिन फिर 3 साल का तो बच्चा आ गया, तो 3 साल की खुद 6 साल की होगी उम्र लग रही है जी वैसे। अच्छा 5 सुए होगी जी वैसे। अच्छा कमाल है भाई, 5 सुए होगी लेकिन शकल से ऐसा लग रहा है जोटी जैसे दूसरे सुए की है, क्यों मंजीत भाई? है ना। तो शकल देख के आप आइडिया नहीं लगा सकते भैंस कितने व्यात में है। बड़ी भैंस की तरह। हाँ बड़ी भैंस की तरह है, बिल्कुल सही बात है। तो इस 20 लीटर वाली का कटड़ा है, ये बड़े वाला। तो इसका फादर कौन है भाई साहब? ये HLDB था जी। असल में इसने भैंस ली थी वहाँ से, कुंगड़ से। अच्छा तो ये पेट में था, वहाँ जो पवन के घर के सामने घर है ना वो। हाँ हाँ हाँ। उनसे ली थी और वो बोले भी हॉस्पिटल में इसका रिकॉर्ड बता देंगे पूछ के कौन से। बाद में आप पूछने की जरूरत नहीं महसूस हुई। अच्छा कुंगड़ से आई थी ये चोटी, शायद ली थी उस टाइम मेरे पास भी आए थे आप, है ना? हाँ जी हाँ जी। या नहीं आए थे? हाँ जी आए थे। ठीक है ठीक है। तो ये देखिए जी, कटड़ा काफी हैवी वेट है और बेचने का जो है भाई साहब का विचार है, तो आप कटड़ा खरीद सकते हैं भाई से। कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैंने मेन फोटो पे भाई के लगा दिए हैं, आप कटड़े का रेट भाई से पूछ सकते हैं। काफी बड़ा है, 3 साल की उम्र है। और ये छोटे वाला कटड़ा भाई साहब, ये कौन सी भैंस? ये कौन सी भैंस का? इसी का ही। अच्छा दोनों भाई हैं सर। हाँ जी दोनों भाई। अर्जुन कुंगड़ का, इसकी कितनी उम्र होगी? इसकी होगी जी 2 साल से थोड़ी बहुत कम है जी, ज्यादा नहीं है। अच्छा सींग तो बिल्कुल मेरे ख्याल से माथे में लगे हुए हैं। बिल्कुल छोटा है, इतना सिंह है कि दिखाई ही नहीं दे रहा है किस्म से। ये देखो सिंह, लंबाई ऊंचाई का ये भी मेरे ख्याल से बड़े, इस बड़े से तो ज्यादा लंबा ऊंचा बनेगा। हाँ जी, हाँ जी। अर्जुन का देखिए जी, अर्जुन खुद भी लंबा ऊंचा और चैंपियन रहा है। टेस्टिकल वगैरह को बहुत बढ़िया है कटड़े के, बहुत सील है जी, दोनों सील है वैसे तो। अच्छा हाँ जी ठीक है। तो रेट इसका भी नहीं बताना? नहीं कोई नहीं, मौके भी। मैं तो कहूँ दोनों ही बेच देना एक के चक्कर में, एक का कौन सा बग्गी में जोड़ते हो आप? बस सांभण दे करके जी, पशु ज्यादा हो गया, बंदा हाँ। कोई रहिंदा नहीं जी। ठीक है, गांगा समस्या लीवर दी आ रही है जी। ठीक है ठीक है जी। तो मंजीत भाई, तो मेले में गए थे, कितने पशु लेके? सारों के ही मेरे ख्याल से फूल बंधवा के आए हो? सब के। मेरे ख्याल से कोई तंबू होगा ऐसा जिसमें सारी भैंसों के फूल बंधे होंगे। देखो दो भैंसे तो, दो फूल तो इन भैंसों के बंधे, कटड़ी का एक भैंस का, एक इसके, दोनों कटड़ी के भैंस के। हाँ और एक वो सुरेश वाली भैंस थी उसका 7वां नंबर आ गया। ठीक है। और ये दोनों कटड़ा अपने जोटियों के, अपनी मुर्रा वाली के तीसरी पोजीशन और अपना नीली रावी की 10वीं आ गई। तो सारे प्राइज जीत के ले गए। तो भाई के पास ये कटड़ियां कैसी लगी मंजीत भाई? बढ़िया कटड़ियां, सारी बढ़िया है, बढ़िया कटड़ियां, संभाल बढ़िया कर रखी है। हाँ हाँ। पशुओं की संभाल भी अच्छी है। बाकी मेरे हिसाब से आगे कटड़ियां रख के भैंस चाहिए बेच देनी चाहिए ना। हाँ बड़ी भैंस इसने निकाली थी, अब सारी पहले भैंस की निकालेंगे जी। अच्छा दो भैंस निकालेंगे। ठीक है हाँ जी हाँ, मेरे पास 6 भैंस हैं अभी जो आगे कट्ठी सुएंगी। इसकी परले तरफ भी बंधी हुई है ना? अच्छा अच्छा, एक गाय भी बंधी हुई है उस साइड। हाँ बछड़ी है। ठीक है बछड़ी है। ठीक है ठीक है। तो कैसा रहा मेला भाई साहब? मेला बढ़िया रहा, सब कुछ ठीक था, बस एक ही कमी थी। क्या? जो लैटरिन जाने वाली थी वो खुले में था, वो तो एक किसा उसमें सारी गड़बड़ थी बस। अच्छा चलो आगे, उसमें लोग बहुत परेशान थे। नया नया दो ही मेले लगे हैं, कमेटी धीरे धीरे ध्यान कर लेगी। बाकी चलो ठीक था, लाइट वगैरह पीछे वाले तंबू में पहले दिन तो लाइट नहीं थी 30 तारीख को। हाँ। लेकिन उसके बाद लाइट रूट ठीक थी, हरा चारा तूड़ी ताड़ी लगभग सब ठीक था प्रबंध, बस ये मोटी समस्या लगी मेरे को क्योंकि जो खुले में लोग जाते हैं उनको तो देखो परेशानी नहीं, लेकिन हमें तो बहुत परेशानी हुई। जो वहाँ रह रहे थे उनको तो परेशानी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ये फिर भी इनको सुधारना चाहिए आगे जाके। चलो आगे सुधार देंगे। हाँ भाई तेरा क्या नाम है? सारी वीडियो में बोलता ही रहा, क्या नाम है? करमन। जर्मन? करमन। जर्मन भी रख देते हैं सरदार लोग, आदमी नाम रख देते हैं ना। करमन नाम है तेरा, है कौन सी क्लास में पढ़ता है? क्लास कौन सी बताई? अगली साइड फर्स्ट में हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और कुछ बता, क्या खिलाते हो भैंसों को? कौन सी कटड़ी पसंद है तेरे को? कौन सी कटड़ी बोल, अभी तो बोल रहा था बहुत है। दिखा दिखा खड़ी हो गए, कौन सी पसंद है?
बता कौन सी पसंद है, सबसे अच्छी कौन सी लगती है? नवाब वाली लगती है, ठीक है। और सारे जो भाई के फार्म पे एआई वगैरह जो करते हैं वो डॉक्टर साहब अपने साथ हैं भाई साहब? राम राम। राम राम जी। अपना क्या नाम है डॉक्टर साहब? सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र भाई साहब कौन कौन से गांव में करते हो एआई इस एरिया में? मेरे पास है जी 10-12 गांव है, चंदोकला, बुरजा, कलंदरगढ़, चिमो, लंबा, रायपुर, डाणी, रायपुर, आसंगा, पुथन, दोलू, नाडोडी। अच्छा जी। तो अपने एचएसबी का रखते हो? एचएसबी का यूज करते। ये सारी आपने की हुई? हाँ, सारी मेरी यही की हुई जी। तो कैसा कंसेप्शन मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है जी। अच्छा जी। तो नंबर भी बता दो साथ साथ, कोई भाई और भी लगवाना चाहे। 8307-26445। ठीक है, इस नंबर पे फोन करके और रखवा सकते हैं। हाँ, तो कोई ऐसा भी आया है कि बिगड़े हुए केस पे भी अपने वाले सीमन से क्या? हाँ, बढ़िया बहुत है जी, अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अच्छा। हाँ, रिपीटर आई है काफी। हाँ। और मान लो सक्सेस भी हुई है सभी। ठीक है। हाँ ठीक है, रिपीटर काफी आई है। हाँ, रिपीटर काफी है जी हमारे पास। नहीं, जैसे अपने वाले सीमन से रिपीट हुई है क्या? पहले और सीमन से रिपीटर है, अपने वाले तो रहेगी वो। अच्छा, रहेगी क्योंकि सक्सेस हो गई अपने वाले। ठीक है ठीक है। नहीं, अगर जो जो सही है वही बताना। ना ना, वही बता रहे हैं जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, क्योंकि हम भी फिर सुधार करें अगर कोई कमी है। बढ़िया सुधार आ रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रिजल्ट है सिमन का, सब बढ़िया सिमन, कोई समस्या नहीं है। हाँ, कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है ठीक है। तो ये देखिए जी, आज का वीडियो भाई साहब के यहाँ से लेके आए, लवजीत भाई के यहाँ से। और एक बात और मैं बताऊंगा आपको, लवजीत भाई फोन रख के एक बार बताना आना इधर। और भाई के पास जब आए तो आप आते ही देखा कि भाई ने जो है डेयरी के अंदर ही साइलेज जो है वो डाल रखा है। ये देखिए इधर साइलेज डाल रखा है। दाने के बारे में और पूछेंगे भाई से क्या खिलाते हैं। लवजीत भाई फीड में क्या देते हो? फीड आप दीजिए तैयार करा के, सारा कुछ। क्या कुछ डालते हो? जैसे मक्की होगी, कणक होगी, तो जो खंडा खुंडा सारा कुछ आप दी मिक्सर करा के फिर। ठीक है, बाकी साइलेज है जी। तो फैट फैट कितनी आ जाती है? फैट बढ़िया है जी, 90-95-85 से ऊपर ऊपर रहती है जी। तो दूध सारा बेचते हो, घर कितना रखते हो? हाँ, बस नॉर्मल सारा लेके जाते हैं जी। बढ़िया। हाँ जी, दूध ही लेके जाता है जी। हाँ जी, हाँ जी। कितने क्या रेट जाता है? बस 75-75 रुपए, 80 फैंट का देता है जी वैसे अभी तो। अच्छा। हाँ जी, 80 फैंट के 75 रुपए दे देता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अपना तो फिर सर... अच्छा, 100 फैंट के 80 रुपए जैसे। 100 के 80। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो क्या रेट लग जाता है दूध? मेरा लग जाता है जी वैसे 75-73-74-75-76। अच्छा, ठीक बचत आ रही है फिर। हाँ जी, ठीक आ रही है। तो कोई आदमी नहीं रखा साथ में हाथ बटाने वाला? पहले था जी, अभी वो गया था, बाद में कोई रखा नहीं, कोई सेंटी नहीं बैठा जी। ठीक है, खुद ही करते हो? तो मेले में जब गए फिर किसने संभाला पीछे से? बस नॉर्मल इथों, वैसे दिहाड़ी ते छड़ गया सी बंदा जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, पिंड चो। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है भाई साहब। ठीक है। तो भाई साहब के नंबर मैंने मेन फोटो पे लगा दिए हैं। डॉक्टर साहब का भी बड़ा बड़ा धन्यवाद। और जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो जरूर बताना। और दो कटड़े किसी भाई को चाहिए तो मैं तो कहूंगा भाई एक के तो कह ही रहे हैं, मेरे हिसाब से दोनों ही दे देने चाहिए। तो आप ले सकते हैं बिल्कुल छोटे सिंह का कटड़ा, देखिए दोनों की माँ सेम है, फादर अलग अलग है। तो आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भाई के मेन फोटो या फिर मैं टाइटल में लगा दूंगा। सारे भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।